हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं काइनोडर्मेटा में एस्ट्रेस के बारे में डिस्कस करने वाली हैं। एस्ट्रेस साइंटिफिक नेम है स्टारफिश का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन, किसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है? स्टारफिश की। ठीक है, तो सिस्टमैटिक पोजीशन में हम PCO लिखना पसंद करते हैं, दैट इज फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो फाइलम है इसका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, क्लास है एस्ट्रोइडिया, एस्टरोइडिया, ओइडे भी बोल देते हैं इसे। ऑर्डर है, सॉरी, फाइलम, क्लास, ऑर्डर इज फोर्सीप्यूलेटा, जीनस इज एस्टेरिया, एंड स्पीशीज इज रूबियंस। नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में द लगा के कॉमन नेम स्टारफिश। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो एस्ट्रेसिया है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, दैट इज स्टारफिश। इसका फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर वो वाले मेंबर्स रखे जाते हैं जिसकी स्पाइनी स्किन होती है, स्पाइन्स होती है जिसकी स्किन पे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री होती है, और ट्यूब फिट से वो लोकोमोशन करते हैं। क्या चार पॉइंट्स हैं? स्पाइनी स्किन होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, पेंटामेरस रेडियल सिस्टम सिमिट्री होती है, और लोकोमोशन ट्यूब फिट से करते हैं। ठीक है, जो क्लास एस्ट्रॉइडिया के अंदर रखे जाते हैं उनकी एक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि फाइव आर्म्स होती हैं दैट आर नॉट डिमार्केड फ्रॉम सेंट्रल डिस्क। मतलब फाइव आर्म्स होती हैं, उन्हें डिमार्केट अलग अलग नहीं किया जा सकता सेंट्रल डिस्क से। ठीक है, तो इसमें बाइपिनेरिया लार्वा होता है जिसके अंदर थ्री ओसिकल्स होती हैं। ठीक है, बाइपिनेरिया लार्वा होता है जिसमें तीन ओसिकल्स होती हैं। ठीक है, ये इस क्लास के अंदर एस्ट्रोडिया के अंदर रखे जाते हैं। इसके अलावा इसके एबोरल साइड के अंदर, अभी बताऊंगी, ऑरल और एबोरल दो साइड्स होती हैं सरफेस के बेस पर, तो इसकी एबोरल साइड पर जो होता है वो मेड्रिपोराइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एबोरल साइड्स पर मेड्रिपोराइट प्रेजेंट होता है, उसको हम रखते हैं क्लास एस्ट्रोइडिया के अंदर। ठीक है, ऑर्डर फोर्सीप्यूलेटा के अंदर उनको रखा जाता है जिसके अंदर पेडिसिलेरिया होता है, ठीक है, और ट्यूब फिट्स होती हैं सक्कर्स के साथ। ठीक है, पेडिसिलेरिया होता है और इसके साथ में ट्यूब फिट्स होती हैं, सक्कर भी होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ करेक्टरसिस हैं। एस्ट्रेस के मतलब का यहाँ से सीधा मतलब है, एस्ट्र का मतलब ही स्टार होता है, तो स्टार शेप बॉडी होती है इसकी। और रूबियंस का मतलब होता है कि ये इंग्लैंड के शोर में वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी क्या है, सिस्टमेटिक पोजीशन है। स्टारफिश जो है, ये जो स्टारफिश है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, और क्लास एस्ट्रॉइडा से बिलोंग कर रही है। इसके अंदर ये अभी बताया कि ये पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री जो है, काइंडरमेटा मतलब पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। पांच आर्म्स होती हैं, इसमें सेंट्रल डिस्क भी होती है, अभी इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे सब समझ आएगा। इसके अलावा एक खास बात ये है कि इसे स्टारफिश कहना गलत है, स्टारफिश कहना गलत है, ये सी स्टार है। स्टारफिश इज़ नॉट एक्चुअली अ फिश, इट इज़ अ सी स्टार। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये रहता कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हैबिटेट डिस्कस करते हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल है, फ्री लिविंग मैराइन एनिमल है। ठीक है, ओशन में ये प्रेजेंट होता है, ओशन में ये हर डेप्थ में प्रेजेंट होता है, चाहे आप ओशन के बॉटम में चेक करो वहाँ भी मिल सकता है, सी लेवल पे, शोर पे देखोगे तो वहाँ भी मिल सकता है। जब टाइड्स आती है तो टाइड्स के साथ भी ये क्या करता है, ऐसे सिंक कर जाता है किसके अंदर, सैंड के अंदर, ये जो सी लेवल पे प्रेजेंट होती है वहाँ पर ही सिंक कर जाता है। सबको हर पार्ट में, हर डेप्थ में ओशन की मिल सकता है।
वैसे ये शोर के जो रॉकी रीजंस होते हैं ना उन पे ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है अकर, कहाँ करता है ये, ऑल ओशंस एट ऑल डेप्थ, हर डेप्थ पे ये मिल जाएगा। अबंडेंस कहाँ होती है इसकी, इसकी अबंडेंस होती है हमारे पास रॉकी पार्ट ऑफ शोर में, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं जब टाइड्स आती है ना, जहाँ जहाँ टाइड्स गिरती है उसके साथ साथ भी कहाँ गिर जाता है, तो उनके साथ भी आ जाता है, इसीलिए क्या कहता है सैंड की एम्बेडमेंट में ही देखने को मिल जाता है ओफन। तब जब बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं तब ये सैंड में एम्बेडेड होके मिल जाता है, ये वैसे बॉटम में जनरली लिव करता है, ठीक है। ये इसका हैबिटेट है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, फ्री लिविंग है, हर डेप्थ में मिलता है। हैबिट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी हैबिट्स में कहते हैं सी स्टार एक नॉकटर्नल नॉकटर्नल नाइट एक्टिव रहता है, ये नॉकटर्नल एनिमल है, ये कार्निवोरस भी है। कार्निवोरस है तो ये किन चीज़ों को खाता है, ये क्रस्टेशंस को खाता है, पॉलीचिटस को खाता है, मलस्क को खाता है, तो ये कौन है कार्निवोरस है। जो कॉमनेस्ट फूड है एस्ट्रॉइड्स का या सी स्टार का दैट आर बाइवल्स, ये जो कॉमन फूड इनका क्या है बाइवल्स इनका कॉमन फूड है। अगर हम इसकी मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये क्रीप करता है, क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है। क्रीपिंग मूवमेंट ये कहाँ शो करता है, स्लो स्लो मूवमेंट करता है, सी बॉटम पे करता है। और जो क्रीपिंग मूवमेंट होती है इसकी पोडिया की हेल्प से, या बोल सकते हैं हम ट्यूब फिट की हेल्प से, जो है वो इसकी जो क्रीपिंग मूवमेंट होती है। सी स्टार जो होता है इसके अंदर ऑटोटॉमी की प्रॉपर्टी होती है, या रीजनरेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है। इंपॉर्टेंट है ये, क्या रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है, इसको हम बोल देते हैं ऑटोटॉमी भी शो करता है, या फिर हम जनरल बोले तो ये रीजनरेशन भी शो करता है। रीजनरेशन में एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो ये इसकी सेंट्रल डिस्क है, सेंट्रल डिस्क में पेंटामेरस है, तो यहाँ पे जो है वो फाइव क्या करते हैं इसके अंदर, इसे फाइव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हैंड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज इसकी ना फोर आर्म्स जो है वो, सपोज ये वाला पोर्शन जो है वो कट हो गया, इसका मतलब क्या है कि डिस्क के साथ अगर कोई आर्म कट कर जाती है तो उसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। इसका मतलब है कि जो फोर आर्म्स हैं इसकी और दोबारा से क्या करवा सकता है, ग्रो करवा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये डायोशियस है, डायोशियस का मतलब है कि ये यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर एक्सटर्नल होती है, डायोशियस जरूर है बट फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इसकी कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है। डेवलपमेंट इसके अंदर इनडायरेक्ट होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब है कि इसके अंदर लार्वा स्टेज जो है वो एग्जिस्ट करती है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो कैसी होती है, इनडायरेक्ट, इसके अंदर दो लार्वा जो है वो रहती हैं, एक होता है बाइपिनेरिया लार्वा, लार्वा रहता है, दूसरा इसके अंदर रहता है हमारे पास ब्रेकियो लेरिया लार्वा, ये दो लार्वा इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। इसमें हैबिट्स हमने क्या पढ़ा, नॉक्टर्नल है, कार्निवोरस है, मूवमेंट क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है, ट्यूब फिट की हेल्प से करता है, रिजनरेशन पावर शो करता है, डायोशियस है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल रहती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट रहती है, बाइपिनेरिया लार्वा और ब्रोंकियो लेरिया जो इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड रहता है। एक्सटर्नल अगर इसके करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नल करेक्टर में अगर बात करें, सबसे पहले हम इसके शेप साइज और बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं, शेप साइज एंड कलर के बारे में बात कर लेते हैं। एस्ट्रेसी जो शेप होती है हमें पता है, ये स्टार जैसी इसकी शेप होती है। साइज वाइज अगर हम बात करें, स्टार साइज शेप होती है। पेंटा सिमिट्री की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री होती है। देखो रेडियल सिमिट्री का मतलब होता है कि हम किसी भी पॉइंट से कट करें तो वो इक्वल पार्ट में कट जाए, लेकिन मैं बोल रही हूँ पेंटामेरस रेडियल का मतलब है कि इसमें पाँच पार्ट्स ऐसे होंगे, पाँच इसके प्लेन्स ऐसे होंगे जो इसे इक्वल पार्ट्स में कट करते होंगे, पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री है इसके अंदर, ठीक है। स्टार शेप बॉडी है। अगर हम इसके साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 10 to 20 डायामीटर का जो इसका साइज़ रहता है, बहुत छोटा सा साइज़, हमारा स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, तो लगा लो कि 10 to 15 सेंटीमीटर का जो होता है इसका डायामीटर होता है, मतलब कुछ इतनी ही ये जो इतनी ही ये जो होता है वो साइज़ वाइज होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट होती है, ये हमने बताया है। कलर वाइज अगर हम इसकी बात करें तो अलग अलग कलर्स में देखने को मिलता है, कभी ब्राउन कलर में देखने को मिलता है, कभी येलो, कभी पिंक, कभी पर्पल, अलग अलग कलर में दिखता है। अपर सरफेस का डार्क होता है और लोअर सरफेस का जो है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, लाइट कलर का होता है।
ठीक है, अपर सरफेस जो होता है वो डार्क होता है, लोअर सरफेस का कैसा होता है, लाइट कलर का होता है। शेप स्टार शेप है, पेंटामेरिस रिल सिमिट्री है, साइज 10-15 डायमीटर का है, कलर वाइज वेरियंट कलर में दिखाने को मिलता है, ब्राउन येलो पर्पल और पिंक कलर में देखने को मिलता है। अपर सर्फेस का डार्क होता है, लोअर सर्फेस का कैसा होता है, लाइट होता है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, हमने शेप साइज के बारे में बात करी, सेकेंड हम बात करते हैं बॉडी पार्ट के बारे में। बॉडी पार्ट के अंदर एक डिस्टिंक्ट सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, ये देखो इसकी सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, और वहाँ से 5 इलोंगेटेड सिमेट्रिकली अरेंज्ड आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, 5 लंबी लंबी इलोंगेटेड सिमेट्रिकली अरेंज्ड, सिमेट्री वाइज अरेंज्ड होती हैं वो 5 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। इन आर्म्स को हम रे भी बोल सकते हैं, इन आर्म्स को हम ब्रेंकियोलॉइड्स भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं, हम इन्हें रे बोल सकते हैं, हम इन्हें आर्म्स बोल सकते हैं, हम इन्हें ब्रैंकियोलॉइट बोल सकती हैं, ब्रैंकियोलस बोल सकती हैं। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है डोर्सल वेंट्रली अलग अलग, डोर्सो वेंट्रली होती है मतलब अलग अलग होती है, डोर्सल साइड से ऊपर से अलग दिखेगी, नीचे से अलग दिखेगी। डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी होती है, इसके दो सरफेसेस होती हैं, ठीक है, जो कि क्या होती हैं, अपर सरफेस को हम बोलते हैं, इसके जो अपर सरफेस होगा उसको हम बोलेंगे एब ओरल, और जो लोअर सरफेस होगा उसको हम बोलेंगे ओरल। लोअर सरफेस को ओरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो माउथ है वो ओरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ओरल लोअर सरफेस पे। ठीक है, इसे एब ओरल भी बोल सकती हैं या एब एक्टिनल भी बोल सकती हैं। ठीक है, ओरल को हम एक्टिनल भी बोल सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका है एब ओरल सरफेस जो होता है इसका कैसा होता है, इसका कॉन्वेक्स शेप का जो है वो ओरल सरफेस होता है, और ओरल सर्फेस इसका कॉनकेव शेप का होता है। जैसे हम एक स्पून को देखते हैं तो स्पून का एक पोर्शन कॉन्वेक्स और एक पोर्शन कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ऐसे सेम इसका भी क्या होता है, ओरल सर्फेस जो अपर सर्फेस है वो कॉन्वेक्स होता है और जो लोअर सर्फेस होता है वो कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, जो आर्म्स होती है ना, इसकी जो एक्सिस होगी, आर्म्स की जो एक्सिस होती है इसको हम रेडियस बोलते हैं, आर्म की जो एक्सिस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस होती है। रेडियस के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना डिस्क के अंदर, इसको हम बोलते हैं इंटर रेडियाई बोल देते हैं, इंटर रेडियाई। ठीक है, अब आर्म्स के नंबर की अगर हम बात करें तो आर्म्स का नंबर वेरी करता है, किसी के अंदर जो होता है वो 5 है, किसी के अंदर 7-14 भी होता है, जिसके अंदर हम बात करें 7-14 होता है हमारा सोलेस्टर के अंदर 7-14 होता है। इसके अलावा हेलिएस्टर के अंदर, हेलिएस्टर के अंदर ये 40 आर्म्स होती हैं। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अगर हम बात करें अब ओरल और ओरल व्यू के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हम इसका स्ट्रक्चर देख सकती हैं, स्पाइनी स्किन होती है, इस स्पाइनी की वजह से ओरल एबोरल जो है वो अलग करना आसान हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह की इसकी जो है वो स्किन होती है, सिमेट्रिकली अरेंज होती हैं इसकी 5 आर्म्स। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो है वो सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, ये यहाँ पे क्या है, मार्जिनल स्पाइंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका मैड्रिपोराइट रीजन भी प्रेजेंट होता है, आगे डिस्कस करेंगे मैड्रिपोराइट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है मैड्रिपोराइट रीजन। इसके अलावा ये वाली डिस्क जो है वो इसकी सेंट्रल डिस्क है, यहाँ पे इसका जो है वो कुछ एनस का पोर्शन जो ओपनिंग होती है, ये एनस जो है वो इसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये सारी क्या है इसकी आर्म्स है। ये इसका हमारा एब ओरल सरफेस है, ये अपर सरफेस है जो कि कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ओरल सरफेस की अगर हम बात करें तो ओरल सरफेस में हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, रफ डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, 1 मिनट डायग्राम है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ट्यूब फिट्स प्रेजेंट होती हैं, इन ट्यूब फिट्स से ये लोकोमोशन शो करता है, क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है। ठीक है, इन ट्यूब फिट्स के बीच में एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स प्रेजेंट होती है, जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, इसको बोलते हैं एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर में इसका क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सेंटर में इसके माउथ प्रेजेंट होता है, एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगी, ट्यूब फिट्स के बीच में एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स प्रेजेंट होती है, माउथ प्रेजेंट होता है, टर्मिनल्स पे इसके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल टेंटिकल यहाँ पर भी थे, टर्मिनल टेंटिकल प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये इसका ओरल व्यू है, एबोरल व्यू एंड ओरल व्यू। ठीक है, ओरल व्यू और एबोरल व्यू की जो हिस्ट्री है, जो भी इसकी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, वो नेक्स्ट सेशन में ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।